गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं आपको 10th क्लास की एक सुंदर सी कविता जिसका टाइटल है टाइगर इन द जू। इस पोएम को लिखा गया है लेजली नॉरिस के द्वारा। इसका पोएट है वो लेजली नॉरिस। फोर्थ स्टंजा इसका देखिए, टाइगर इन द जू का फोर्थ स्टंजा। इस स्टंजा के अंदर जो टाइगर है बाघ, वो पिंजरे के अंदर है। लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। जू चिड़िया घर के अंदर है, वो लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। उसका नेचर क्या होता है, वो किस तरह की हरकतें करता है, क्या कुछ दर्शाना चाहता है उसके अंदर पिंजरे के अंदर। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। इस कंजे के अंदर बताया गया कि टाइगर जो है वो बंद है कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल कंकड़ पत्थर की बनी हुई पिंजरे के अंदर, कंकड़ पत्थर का बना हुआ जो दीवारें हैं उसके अंदर जो पिंजरा बना हुआ है उसके अंदर ये बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जितनी भी ताकत है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, शक्ति, टाइगर के अंदर जो भी ताकत है वो सारी ताकत बिहाइंड बार्स, वो सलाखों के पीछे है, यानी सलाखों के पीछे उसकी ताकत बंद है, कैद है। स्टार्किंग, और वह चहल कदमी करता है, कभी आगे की ओर कभी पीछे की ओर धीरे धीरे चलता रहता है। द लेंथ ऑफ हिज केज, कितना चहल कदमी करता है, जितना कि पिंजरे की जो लंबाई है वहीं तक वो आ जा सकता है, ये इसकी लिमिटेशंस है। पिंजरे का ये किनारा और दूसरा किनारा, ये इसकी लिमिट है, इसकी सीमा है, उससे ज्यादा ये आगे पीछे नहीं घूम सकता। स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो उसका पिंजरा है उसकी लंबाई, लंबाई पिंजरे की लंबाई के बराबर ही वह घूम फिर पा रहे हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी दर्शक लोग जो है उसको देखने के लिए आ रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल अनजान बना हुआ है, उसको ये भी नहीं पता कि उसको कौन देखने के लिए आ रहा है, उसका ध्यान ही नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने ही मन के अंदर अपने ही विचारों में खोया हुआ वह इधर से उधर चहल कदमी करता रहता है। ये जो संजय है ये बता रहे कि पिंजरे के अंदर उस जानवर की, जिससे कि सारे सृष्टि के जो लोग हैं, सारी दुनिया के जो लोग हैं वो डरते हैं, और पिंजरे में आने के बाद में उस जानवर की क्या हालत हो जाती है जो जंगल का राजा कहा जाता है टाइगर, तो वो ये बताया गया इसमें। बट ही इज लॉक्ड, फिर देखिए दोबारा से, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। वह एक सीमेंट और पत्थर की बनी हुई जो गुफा है, पिंजरा बनाया हुआ है, उसके अंदर वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी ताकत है वो सब सलाखों के पीछे कैद है। स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और पिंजरे की जो लंबाई है उसी के मुताबिक वो घूम फिर पाता है, उसकी सीमा में बंधा हुआ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जितने भी दर्शक लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। स्टंजा नंबर 5 में आई है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट, नाइट रात्रि के समय वह अंतिम आवाज को सुनता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वॉइस ऑफ नाइट, वह रात के समय जो आवाज है आती है वह अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और वो आवाज किसकी आती है, जो गश्त करती हुई कारें हैं, जो गश्त करती हुई कारें हैं, यानी जो कारों के अंदर जो चिड़ियाघर के जो लोग हैं इधर उधर घूमते हैं उनकी देखभाल करने के लिए पेट्रोलिंग गश्त, गश्त करने, पेट्रोलिंग का मतलब गश्त करने वाली कार्स, कार्स जो है उनके अंदर, तो उनकी आवाजें सुनता है लास्ट के समय, अंतिम आवाज सुनता है, और रात के समय आखिरी आवाज सुनता है उनकी। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और उन आती जाती कारों को वह अपनी चमकदार आंखों से, स्टीयर्स घूर कर देखना, ब्रिलियंट आईज चमकदार आंखें, अपनी चमकदार आंखों से उन आती जाती कारों को घूर कर देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और फिर रात्रि के समय चमकते हुए तारों की ओर भी वह देखता है। एक नजर वह गश्त करती हुई कारों के ऊपर डालता है, दूसरी नजर
वह तारों के ऊपर डालता है कि रात बहुत ज्यादा है, तारे चमक रहे होते हैं, उन तारों की ओर देख रहा होता है वो। दोबारा देख लीजिए इस संज्ञा को, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात के समय अंतिम आवाज सुनता है, अंतिम आवाज है द पेट्रोलिंग कार्स गश्त करती हुई, गश्त लगाती हुई, चक्कर लगाती हुई कारों की आवाज है वो। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और उन कारों को वह घूरकर देखता है इन हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उसी समय वह आसमान में चमकते हुए तारों को भी एक नजर से देख लेता है। तो ये स्टंजा का एक्सप्लेनेशन था, इनका एक्सप्लेनेशन जरूर आना चाहिए, बिना एक्सप्लेनेशन के हम इसके कंप्रेशन क्वेश्चन नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पोइम के अंदर, वो अक्सर पूछा जाता है नेम ऑफ द पोइम, तो नेम ऑफ द पोइम इज द टाइगर इन द जू, और जो नेम ऑफ द पोइट है वो है लेजली नॉरिस, और इसका जो राइम स्कीम है सेल बार स्टेज विजिटर्स, ये इसका राइम स्कीम नहीं है। अगर हम सेल को ए नंबर दें, सेल्स को अगर हम ए नंबर दे दें और बार्स क्योंकि इसे मैच नहीं करता इसको हम बी नंबर दें, केज मैच नहीं करता उसको हम सी नंबर दे दें, विजिटर्स भी मैच नहीं करता, तो इसकी जो राइम स्कीम है सिर्फ ए बी सी डी ही बनती है, कोई इसका मैचिंग वर्ड नहीं। अगर हम आगे से देखें नाइट, इधर से देखें कार, इधर से देखें आईज, इधर से देखें स्टार्स, इसमें भी कोई मैचअप इसका नहीं बनता है, तो इसका भी ए बी सी और डी कोई राइम स्कीम नहीं। स्टार्स और कार्स का बन सकता है, तो इसका हम बी बना सकते हैं, लास्ट का बी, ए बी सी डी ये इसका बन सकता है। और इसके जो राइम वर्ड्स हैं वो है ही नहीं इसमें, अगर हैं तो स्टार्स और कार्स का राइम वर्ड्स है और ज्यादा नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।